जी वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम देख रहे हैं मूवी डियर कॉमरेड जो कि बहुत ही जबरदस्त है और स्टोरी काफी मजे की हो गई है। तो 10 तक हम देख रहे हैं इसके पार्ट और पार्ट 11 देखने जा रहे हैं। तो उम्मीद है ऐसा जो देख रहे होंगे उन्हें भी मजा आ रहा होगा क्योंकि मूवी काफी मजे की है जी। तो चले जी देखते हैं पार्ट 11, फिर इस पे बात करते हैं। तो चले जी लेट्स गो। चुका हूं शायद मैं ना रहा हूं, पर मेरा यकीन मानो उस वक्त तुम पूरी तरह से बदल चुके होगे। बॉबी हाय। लिली तुम कब आई? तुम अपने साथ नहीं लाओगे तो मैं खुद नहीं आ सकती। अरे मुझे लगा कि तुम डायरेक्टली रघु की शादी के लिए आओगी, वरना साथ में ही आ जाते यार। बिना बताए क्यों चले आए? साथ में आ जाते तो कुछ बिगड़ जाता। अरे? क्या अरे तुम कब आए लिली? देखिए ना आंटी, बिना बताए आ गया। तुम आ जाओ, मिलकर सबक सिखाएंगे इसे। हाँ कैसी लड़की है तू, आ इधर। माँ मेरे वाले में चीनी कम डालना। ठीक है। तुम्हें याद है उस दिन तेज बारिश हुई थी, हम दोनों भीग गए थे यहाँ? हम पूरी तरह भीग गए थे और छत से पानी टपक रहा था। अच्छा उस दिन उसे हमने रिपेयर करा दिया है, काफी पुरानी जो हो गई थी। वैसे तुम दोनों को अचानक उसकी याद कहाँ से आ गई? अंदर आ जाओ, बैठकर बात करेंगे ठीक है। जब ये तुम्हें हॉस्पिटल से ले गया था तो हमें बहुत कॉल आए, हम तो घबरा गए थे। ऊपर वाले का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। इसने 3 साल तक शक्ल नहीं दिखाई, पर तुम्हारे साथ 2 हफ्ते रहा। मेरी एक बात मानोगी बेटा, इसे कहीं जाने मत देना ठीक है? जैसे कि मैं रोक लूंगी। क्या मतलब? वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया। उसका दिल करेगा तो ही वो रहेगा, मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी। क्या यार तुम लोग तो मुझे भूल ही गए थे। हाय गर्ल्स, और कैसा है? हाय बॉबी। वाह। ए उस तरफ। अरे इधर। Hey, congratulations! Hey! आजा यार, कैसा है? से भी मिल यार। कैसा है? अब नो दुश्मनी। लिली इससे मिल। हेलो। पहले तो सबसे पहले मुझे आता था। बड़ी बड़ी बात कर रहा था, आखिर बकरा बन ही गया ना। देखना भाभी का गुलाम बनेगा ये। चलो शादी हुई तो रघु की बकबक आधी तो हो गई, अब मुझे तंग तो नहीं करेगा कम से कम। थैंक यू। अब रघु के बाद बकरा कौन बनने वाला है? अब तो बॉबी बकरा बनेगा। और लिली तुम कब कर रही हो? कनाडा से आ रहे हैं कुछ लोग मुझे देखने अगले हफ्ते। इसका तो हो गया। ए बॉबी तू भी देख ले इसका होने वाला पति कैसा है, लड़का अच्छा होना चाहिए। क्यों बॉबी वो भी तेरी तरह दीवानों के जैसे फोन बूथ पर पागलपंती करेगा? मार्टिन मुंह बंद करना। नहीं ऐसी बात नहीं है, पता करना तेरी तरह वो भी इसके लिए रोएगा कि नहीं या फिर खाली पॉकेट। अरे कैसे पट्टी मार रहा है? ये वही है ना जो देवदास बना हुआ था? अभी देख कितना सीधा साधा बने हैं। तो बताता हूं तुम दोनों को किसने दिया और क्या बताया? यार पिलाई थी पता है तुझे? अरे बॉबी नहीं, रुक तू रुक। नहीं नहीं हम लोग जा रहे हैं। क्यों रे गजब से यार ये ना। सच बताओ तुम मेरे लिए रोए थे? अब तू मत शुरू हो जा लिली। अरे बताओ ना रोए थे क्या? पर अब तुम पहले से बहुत शांत हो गए हो।
अब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सपने, तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे अंदर का गुस्सा तो जैसे खत्म ही हो गया। मुझे ये बॉबी ज्यादा पसंद है। वादा करो हमेशा ऐसे ही रहोगे, करो ना। बैठ जाओ। अब तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो। अब तो सब कुछ ठीक है ना? मैचेस के लिए फिट होना है, नेशनल खेलना है, तुम कर लोगी तो हम सब के सब वहां स्टैंड्स पे खड़े होकर चीयरलीडिंग किया करेंगे। बॉबी, क्रिकेट छोड़ दिया मैंने, वो मेरा पास्ट है। अब तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा? मेरा फ्यूचर तुम हो बॉबी, तुम जहां जाओगे मैं साथ जाना चाहती हूँ। हम शादी करके हमेशा अच्छे से रहेंगे और मेरे पेरेंट्स की भी खुशी उसी में है जिसमें मेरी खुशी है। लिली, ये शादी बीच में कहां से आ गई? क्रिकेट छोड़कर अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? और तुम मुझे क्रिकेट से पहले तो नहीं जानती थी ना? एक समय था जब तुम मुझसे ज्यादा क्रिकेट को पसंद करती थी, याद है ना? क्रिकेट के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है, मुझे बस तुम चाहिए बॉबी, मैं खुश रहूंगी। देखो लिली, तुम्हें मेरे लिए सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट बनकर रहूंगा, तुम्हारा कॉमरेड बनके। मैं तुम्हें अपने सपने पूरे करते देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें स्टेडियम में खेलते हुए देखना चाहता हूं। लिली, तुम्हें हो क्या गया है? बार बार क्रिकेट, गोल, यही सब बातें किए जा रहे हो। एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये बात कैसे कह सकती हो तुम? नहीं, क्या मतलब क्या है तुम्हारी बात का? शादी के बाद क्या तुम पहले की तरह क्रिकेट खेल पाओगी? फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर पाओगी? लिली, लिली, बॉबी, क्रिकेट छोड़ दिया मैंने, तुम्हारा काम तो हो गया ना बॉबी? वो बाहर से खुश लगती है पर अंदर उसके बहुत दर्द है। ये टेम्पररी डाइवर्जन है, तुम्हारी वजह से। रुबीना, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम रुबीना? तुम और यहाँ? मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तुम यहाँ पर काम करती हो? क्या हुआ क्या तुम्हें? सब ठीक तो है ना? बॉबी, लिली कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, हम मिले भी हैं। मुझे उससे मिले बहुत दिन हो गए हैं। वो बहुत सेंसिटिव है, उसका ख्याल रखना तुम। लिली कहती है उसे अभी क्रिकेट नहीं खेलना है और तुम यहाँ पर सिलाई का काम सीखने आती हो। आखिर ये हो क्या रहा है रुबीना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई मुझे साफ साफ कुछ बताता क्यों नहीं है? आखिर बात क्या रुबीना? थैंक यू। हेलो सर। मॉर्निंग। कम ऑन लिली। यस। यस।
And the player of the match goes to Miss Lily. We request our South Zone chairman, Mr. Ramesh Rao, to please hand over the trophy. Congratulations. Thank you. Lily, kal mujhe mere office mein milo. I'll be waiting for you. Congrats. Thank you, sir. Bye-bye. Bye, sir. Bye. Yes. Yes. Such a delight to watch. What a player you are. Lambe samay ke baad koi achha khiladi dekhne ko mila hai. Now tell me something about yourself. Tumhare papa kya karte hain? Bank manager hai, sir. Oh, middle class family. Orthodox kind, huh? Ji. Okay. I will support you. Thank you, sir. Because Lily, tum hunar aur khoobsurti ki ek shandar misal ho. मैं अपनी टीम के लिए न जाने कितने सालों से एक ऐसी ही ले जी हमने 11वां पार्ट देख लिया है अब कॉमरेड के सामने आएगी सच्चाई कि ऐसा क्या हुआ था कि लिली ने जो है वो क्रिकेट खेलनी छोड़ दी है लिली ने तो कुछ नहीं बताया लेकिन उसकी जो साथ क्रिकेट खेलती थी रुबीना उस वो नजर आ गई है कॉमरेड को उसने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने अब स्टोरी सुनाना शुरू की है तो लेट्स सी के आगे क्या होता है भी देखने के लिए एक्साइटेड है कि ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी जाहिर सी बात है उसको जुनून था खेलने का और वो कॉमरेड से ज्यादा क्रिकेट को पसंद करती थी तो चलें जी जल्दी से वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं जी पार्ट 12 में तब तक बहुत सारा ख्याल है मेरे के दुआ में याद ओके जी बाय बाय